माता पार्वती के दो प्रश्न। करवा चौथ पर कौन सा श्रृंगार करने से पति की उम्र कम हो जाती है? करवा चौथ पर किस रंग की चूड़ी और कपड़े पहनने से दुगना फल मिलता है? एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उस स्त्री के पति का स्वास्थ्य हर समय खराब रहता था। वह स्त्री घरों से काम करके अपने जीवन का गुजारा करती थी। उस स्त्री ने उस पर जैसा भी हो सका अपने पति का इलाज करवाया, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला। फिर एक दिन वह स्त्री पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर में जा रही थी, तो वापस लौटते समय उसकी मुलाकात कुछ सुहागिन स्त्रियों से हो जाती है। तो फिर वह स्त्री उन सुहागिन स्त्रियों को अपने पति के बारे में सारी बात बताती है। तो वह सुहागन स्त्रियाँ कहती हैं, बहन तुम चिंता मत करो और आज से ही माता पार्वती का सच्चे मन से ध्यान लगाओ, माता पार्वती तुम पर कृपा अवश्य करेंगी। इस प्रकार उस स्त्री ने सच्चे मन से पूर्ण निष्ठा के साथ माता पार्वती का ध्यान लगाया। तो रात को सोते समय पर माता पार्वती उस स्त्री के सपने में आ गई और उस स्त्री से कहने लगी, बेटी क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तो वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है जो कि मेरे पति हर समय बीमार रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं विधवा होने वाली हूँ। माँ मुझ पर कृपा करो और मेरे पति को स्वस्थ करने का कोई उपाय बताओ। फिर माता पार्वती कहती हैं कि यदि तुम अपने पति को स्वस्थ रखना चाहती हो और सदा सुहागन रहना चाहती हो और अपने पति की उम्र लंबी करना चाहती हो, तो तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखो। उसने रखने के लिए हर सुहागन स्त्री के पति की उम्र लंबी हो जाती है और पति हमेशा स्वस्थ रहता है। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी की कृपा होने लगती है, घर पर गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती की बात सुनकर कहने लगी, हे माँ, मैं करवा चौथ का व्रत हर साल ही तो रखती हूँ, मगर फिर भी मेरे पति स्वस्थ नहीं होते और मेरे अंदर विधवा होने का डर बना रहता है। तो माता पार्वती कहती हैं, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन स्त्रियां अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए कठिन निर्जला व्रत रखती हैं और इस व्रत में 16 श्रृंगार कर माँ करवा की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत के कुछ नियम होते हैं। यदि किसी स्त्री द्वारा करवा चौथ व्रत के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जाता तो इस व्रत का फल नहीं मिलता और उस सुहागन स्त्री के पति की उम्र बढ़ने की बजाय घटने लगती है। इस प्रकार वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर माता पार्वती कहती हैं, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, फिर आने वाली करवा चौथ को इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन करना होगा, जिससे तुम्हारा व्रत ठीक ढंग से संपन्न होगा और तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारा पति स्वस्थ होकर के लंबा जीवन जिएगा और तुम सदा सुहागन रहोगी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई बहन में बहुत ही प्यार था। एक बार एक करवा चौथ के दिन सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन कहने लगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज मैं खाना तक नहीं खाऊंगी जब तक चांद नहीं उगेगा। माता पार्वती कहती हैं, बेटी इस प्रकार भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन रोज़ाना हमारे साथ ही भोजन करती है, आज यदि हम बहन को छोड़ करके भोजन कर लेंगे तो हमारी बहन भूखी ही रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई ने छन्नी में लेकर के पहाड़ी पर चढ़ गया। फिर दिया जला करके बोला, एक भाई ने अपनी बहन बोला, चांद उग गया है, भाई उग गया है, अब तुम चांद को अर्घ दे दो और खाना खा लो। माता पार्वती कहती हैं, बेटी बहन ने भाइयों से भी कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, चांद तो तुम्हारे लिए निकला है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो अभी बाद में निकलेगा। बहन ने भाइयों की बातों में आकर बिना चांद उगे ही पूजा कर ली और फिर खाना खाने बैठ गई। माता पार्वती कहती हैं, बेटी
जैसे ही भजन भोजन का पहला निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया, और जैसे ही दूसरा निवाला खाने लगी उसमें कंकड़ आ गया, और जैसे ही उसने तीसरा निवाला खाया तो ससुराल से बुलावा आ गया कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है। फिर माता पार्वती रहती हैं बेटी, माँ ने बेटी से कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार उसमें से सफ़ेद कपड़े हाथ में लगे। इस प्रकार वह लड़की सफ़ेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। उधर उस लड़की की माँ ने उसकी साड़ी के पल्लू में सोने का सिक्का बांध दिया था और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूते जाना और अमर सुहाग का आशीर्वाद दे, उसे यह सिक्का दे करके पल्लू में गांठ बांध लेना। माता पार्वती कहती हैं बेटी, रास्ते में बहुत से लोगों से उसे आशीर्वाद दिया लेकिन अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। फिर जब वह लड़की ससुराल में पहुंच गई तो उसने क्या देखा कि पालने में जेठ की लड़की झूल रही थी। जब उस लड़की के उसने जेठ की लड़की के पैर छुए, वह लड़की कहने लगी, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। माँ पार्वती कहती हैं कि फिर ऐसे आशीष सुन के ही उसने अपने पल्लू से सोने का सिक्का निकाल कर उस बच्ची को दे दिया और पल्लू में गांठ बांध ली। फिर जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में क्या देखा कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। फिर उसे लड़की ने अपने पति के मृतक शरीर को क्रियाकर्म के लिए नहीं जाने दिया और वह अपने मृत पति को लेकर के उसके साथ में रहने लगी और अपने पति की सेवा करती रही। उधर उस लड़की की जो सास थी, वह बचा हुआ ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ ये कहकर भिजवा देती कि जा मुर्दा सेवनी को खाना दिया। और जो माता पार्वती कहती हैं बेटी, कुछ दिन बाद माह महीने की तिल चौथ आई और उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ़ कर दो। हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। तो माता ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं, बैसाखी चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। माता पार्वती कहती हैं बेटी, फिर बैसाखी चौथ पर उसने प्रार्थना की तो माँ ने कहा, भादुड़ी चौथ माता तुम्हारा सुहाग देगी। फिर भादुड़ी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उसने कहा कि सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता की नाराज़गी के कारण तुम्हारे साथ ये हो रहा है, उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम जो चाहोगी तुम्हें वह मिलेगा। माता पार्वती कहती हैं बेटी, इस प्रकार कार्तिक महीने के चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से में कहने लगी कि तुमने करवा चौथ व्रत में 2 गलतियाँ की हैं, इसलिए तुम विधवा हो गई हो। पहली गलती तुमने की कि तुमने बिना चांद देखे ही पूजा कर ली और खाना खा लिया। दूसरी गलती यह की कि कुछ सिंगार भूल भी सुहागन स्त्री को करवा चौथ व्रत में नहीं करने चाहिए, वह तुमने कर लिए। जो स्त्री इन दोनों गलतियों को करती है उसके पति की उम्र कम हो जाती है और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती से कहती है, हे माँ, कैसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए और कैसे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और करवा चौथ व्रत के क्या नियम हैं, आप मुझे बताने की कृपा करें जिससे मेरे पति स्वस्थ हो सकें और मैं सदा सुहागन होकर उनके जीवन जी सकूँ। माता पार्वती कहती हैं, यदि कोई भी सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो इस दिन उसे सूर्योदय से पहले उठ कर के स्नान कर लेना चाहिए और इसके साथ ही इस व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए और ना ही सर्गी लेने के बाद में भोजन करना चाहिए। तब माता पार्वती आगे कहती हैं, बेटी, करवा चौथ व्रत के दौरान हर सुहागिन स्त्री को काले अथवा सफ़ेद रंग के कपड़े और काले या सफ़ेद रंग का धागे का श्रृंगार नहीं धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि काला और सफ़ेद रंग इस व्रत के लिए पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यदि फिर भी कोई स्त्री काले या सफ़ेद रंग का श्रृंगार करती है और वह स्त्री सदा सुहागन हो करके जीवन नहीं जीती, फिर माता पार्वती आगे कहती हैं, बेटी, व्रत के दौरान करने का बहुत ही महत्व है। ऐसे में करवा चौथ के व्रत के दौरान हर सुहागन स्त्री को सफ़ेद रंग की वस्तुएं जैसे सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद मिठाई दान नहीं देना चाहिए। माता पार्वती आगे कहती हैं, बेटी, करवा चौथ के व्रत के दौरान सुहागन स्त्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दिन भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता और उसके पति की उम्र कम हो जाती है। अब माता पार्वती अंत में कहती हैं, बेटी, करवा चौथ व्रत में नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जो सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है उसे इस दिन
सुई धागे कढ़ाई सिलाई का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस व्रत का फल नहीं मिलता। माता पार्वती कहती हैं, बेटी फिर इस प्रकार उस स्त्री के नियमानुसार श्रृंगार करके और वस्त्रों को धारण करके करवा चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ माता के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और विलाप किया, मुझे इतना दंड मत दो, मेरा सुहाग मुझसे मत छीनो, आप जगकी माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो, मेरी बिगड़ी बनाओ, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो माँ। फिर इस प्रकार करवा चौथ माँ ने खुश होकर उस स्त्री के पति को जीवित किया और उस स्त्री को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता पार्वती कहती हैं, इस प्रकार उस स्त्री का पति उठा और बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब फिर उस स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई और वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और करवा चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटाया। फिर उसके पति ने कहा, हमें चौथ माता का उद्यापन करना चाहिए। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन करके चूरमा बनाया और फिर दोनों खा पीकर चौपड़ खेलने लगे। उसने उसके लिए नौकरानी खाना लेकर आई तो यह देख करके तुरंत जाकर उसने अपनी सास को बताया कि मालकिन, आज तो मैंने एक नया नज़ारा देखा है कि बहूरानी जिस मृतक पति की सेवा करती थी आज उसका पति जीवित हो गया है, तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। फिर तो जब सासू ने अपने बेटे को जब जीवित देखा तो वह बहुत खुश हो गई। फिर बहू से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि यह करिश्मा चौथ माता का आशीर्वाद है। फिर वहाँ पर सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। फिर सभी स्त्रियों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने का प्रण किया और कहा, हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग तुमने अमर किया है, वैसे हमारा सुहाग भी अमर करना। उस स्त्री ने आने वाली करवा चौथ को विधि विधान से श्रृंगार धारण किया और फिर उसका पति जो अस्वस्थ रहता था वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और घर की गरीबी हमेशा के लिए मिट गई। यदि सुहागन स्त्री अपनी राशि के हिसाब से कपड़े और चूड़ी पहनती है तो करवा चौथ का व्रत बहुत ही अधिक फलदायक होता है। यदि किसी स्त्री की राशि मेष है तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाल या गोल्डन रंग की साड़ी पहननी चाहिए, साथ में इसी रंग की चूड़ियाँ भी पहननी चाहिए। आगे जिस सुहागन स्त्री की राशि वृषभ है, ऐसी सुहागन स्त्री को करवा चौथ के दिन सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और साथ में लाल रंग की चूड़ियाँ भी पहननी चाहिए। ऐसा करने से पति का खूब सारा प्यार मिलता है। यदि किसी स्त्री की राशि मिथुन है तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर हरे रंग की साड़ी सूट या लहंगा पहनना चाहिए, इसी रंग की चूड़ियाँ पहनकर पूजा करना शुभ रहता है, इससे व्रत का 2 गुना फल मिल जाता है। जिस स्त्री की राशि कर्क है तो कर्क राशि की महिलाओं का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए और इसके साथ रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनना भी कर्क राशि की स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ रहता है। जिस स्त्री की राशि सिंह है, इस राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, इसलिए इस राशि की महिलाओं को लाल, नारंगी, गुलाबी या गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको करवा माता का आशीर्वाद जल्द मिलता है और बहुत ही फलदायक होता है। जिस स्त्री की राशि कन्या है तो कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को व्रत पर लाल, हरे या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर करवा माता की पूजा करनी चाहिए, इसी रंग की चूड़ियाँ भी पहने, इससे महिलाओं को पूजा का शुभ फल मिलता है। जिस स्त्री की राशि तुला है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाल, सिल्वर या गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियाँ पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल मिलता है। जिस स्त्री की राशि वृश्चिक है, इस राशि का स्वामी मंगल होता है, इस राशि की महिलाओं को लाल, मेहरूम या गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए, इससे पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। जिस स्त्री की राशि धनु है तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को इस व्रत पर पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इनको शुभ फल की प्राप्ति होती है।
जिस स्त्री की राशि मकर है तो मकर राशि का स्वामी शनि है। इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, साथ में नीले रंग की चूड़ियां पहनने से आपको लाभ होता है। यदि किसी स्त्री की राशि कुंभ है तो कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन नीले या फिर सिल्वर रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर करवा माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का शुभ लाभ मिलता है। जिस स्त्री की राशि मीन है तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ